समाजवादी पार्टी की देश बचाओ देश बनाओ साइकिल यात्रा आज पार्टी कार्यालय से रवाना हो गई। यात्रा को सपा के तीनों जिलाध्यक्षों अनिल यादव, पप्पू लाल निषाद एवं सैयद इफ्तिखार हुसैन ने झंडी दिखाकर रवाना किया। यात्रा के संयोजक सपा लोहिया वाहिनी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अभिषेक यादव ने कहा कि भाजपा की डबल इंजन सरकार आम आदमी की उम्मीदों पर पूरी तरह फेल हो चुकी है। मणिपुर सहित विभिन्न प्रांतों में बिगड़े माहौल को सुधारने की बजाय भाजपा के नेता उल्टे सीधे बयान दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि जातीय जनगणना पीडीए की मजबूती के लिए जन जागरूकता पैदा कर 2024 में इंडिया के नेतृत्व में केंद्र की सत्ता हासिल करना ही इस यात्रा का उद्देश्य है। हम लोग के नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी के निर्देश पर समाजवादी पार्टी के लोग नौजवान साथी अगस्त क्रांति दिवस के अवसर पर यहां से इलाहाबाद से एक साइकिल यात्रा लेकर के निकल रहे हैं। ये साइकिल यात्रा इस सरकार की जन विरोधी नीतियों के खिलाफ है। हम लोग जाकर के लोगों के बीच बताएंगे कि ये सरकार लोगों की बेरोजगारी बढ़ाई है, इस सरकार की गलत नीतियों के कारण महंगाई बढ़ी है, निजीकरण से लेकर के आरक्षण में छेड़छाड़ हो रहा है, साथ ही साथ जाति जनगणना ये सरकार नहीं करा रही है, लोगों को हिस्सेदारी नहीं दे रही है, कानून व्यवस्था ध्वस्त हो चुकी है, गलत मुकदमे में लोगों को फंसाया जा रहा है, अन्याय किया जा रहा है, शोषण किया जा रहा है, खास तौर से दलित पिछड़ा और मुसलमान समाज का शोषण किया कर रही है ये सरकार। इस और सांप्रदायिकता चरम पर है, धार्मिक उन्माद जानबूझ करके फैलाया जा रहा है सरकार की सह पर, पूरा देश आग के ढेर पर बैठा हुआ है इस सरकार की गलत नीतियों और सांप्रदायिक नीतियों के कारण। उसके खिलाफ हम लोगों के बीच जाएंगे, जनता में जा करके लोगों को समझाएंगे कि आप समाजवादी रास्ते पर रहिए। जो अगस्त क्रांति के समय हमारे देश के नेताओं ने, खासतौर से डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी ने, महात्मा गांधी जी के नेतृत्व में जो आंदोलन चल रहा था, भारत छोड़ो आंदोलन, उसी आंदोलन से सीखते हुए समाजवादी नायकों को याद करते हुए ये समाजवादी क्रांति होने जा रही है। इस मौके पर सपा नेताओं ने केंद्र एवं प्रदेश सरकार को जनविरोधी बताते हुए दावा किया कि एनडीए सरकार की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। सपा के जिला प्रवक्ता दान बहादुर मधुर के अनुसार प्रदेश में जन जागरण पैदा करने के लिए राष्ट्रीय नेतृत्व के निर्देश पर निकली यह साइकिल यात्रा के पहले चरण का समापन समाजवादी पार्टी के संस्थापक मुलायम सिंह यादव के जन्मदिन पर 22 नवंबर को लखनऊ में होगा। इस दौरान कुल 24 जिलों, 25 लोकसभा क्षेत्रों एवं 125 विधानसभा क्षेत्रों से होकर यात्रा गुजरेगी। ये यात्रा आज कौशाम्बी जनपद में प्रवेश कर गई। इस मौके पर राघवेंद्र सिंह, धर्मराज सिंह, हाजी परवेज अहमद, पंधारी यादव, अंसार अहमद, संदीप यादव, अमरनाथ सिंह मौर्य, हरिओम साहू, राम सुमेर पाल, कृष्ण मूर्ति सिंह आदि मौजूद रहे।